संपद को बढ़ाने के उपाय करना ऐसी जीवन शैली का अभिन्न अंग होता है। भारत की अग्रणी भागीदारी के साथ पूरा विश्व समुदाय ऐसे जीवन शैली अपनाने के लिए आगे बढ़े, यही भारत का विश्वव्यापी प्रयास है। आजकल हमारे देश G20 के अध्यक्ष के रूप में भी अनेक क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं। बहुत से लोगों को ये जानकारी होगी कि G20 के देशों के विश्व के कुल GDP में 85% और इंटरनेशनल ट्रेड में 75% योगदान रहता है। साथ ही विश्व की 60% पॉपुलेशन भी G20 के देशों में निवास करती है। G20 की अध्यक्षता के दौरान भारत ने वसुधैव कुटुंबकम के आदर्श के अनुसार वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर के थीम को अपनाया है तथा हम इसे विश्व पटल पर प्रसारित भी कर रहे हैं। देवियों और सज्जनों, सभी देशवासियों को विकास का प्रचुर अवसर प्रदान करते हुए क्लाइमेट चेंज की चुनौती का सामना करने के लिए देश की सरकार और जनता द्वारा ऊर्जा के सक्षम उत्पादन उपयोग और संरक्षण पर जोर दिया जा रहा है। इन प्रयासों को समग्र रूप से आगे बढ़ाने के लिए मैं भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के मार्गदर्शन में ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के विभिन्न कार्यकलापों की सराहना करती हूँ। इस संदर्भ में एनर्जी एफिशिएंसी इनोवेशन पर विशेष ध्यान देने की भी मैं सराहना करती हूँ। मैं नेशनल एनर्जी एफिशिएंसी इनोवेशन अवार्ड्स के विजेताओं की नई सोच और कार्य पद्धति के लिए उनकी प्रशंसा करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि पुरस्कृत किए गए इनोवेशन का व्यापक स्तर पर उपयोग किया जाए। ऐसे इनोवेशन से प्रेरित होकर अधिक से अधिक लोग नई नई पद्धतियाँ विकसित करेंगे जिससे पर्यावरण संरक्षण में सहायता प्राप्त होगी। बायोडायवर्सिटी सहित प्रकृति को बचाने की चिंता हम सबकी सबको करनी है। भारत की महान कवयित्री महादेवी वर्मा जी ने एक चिंता बड़ी मार्मिक शब्दों से किए हैं। उन्होंने लिखा है, आंधी आए जोर शोर से डाले टूटे हैं झोंकर से उड़ा घोंसला अंडे फूटे किससे दुख की बात कहेगी अब ये चिड़िया कहाँ रहेगी ये चिड़िया कहाँ रहेगी। हम सबको मिलकर चिड़िया के घोंसलों को बचाना है, चिड़िया को बचाना है, अंडे बच्चों को भी बचाना है, डाली को बचाना है, पेड़ को भी बचाना है, धरती माता के प्राकृतिक संतुलन को बचाना है अपने लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए। मुझे प्रसन्नता है कि हमारे देश में पर्यावरण संरक्षण के संकल्प को कार्य रूप दिया जा रहा है। पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों से सभी देशवासियों को मैं पर्यावरण सेनानी मानती हूँ और सबके विजय की मंगल कामना करती हूँ। आज के इस समारोह को मैं ऊर्जा संरक्षण के माध्यम से प्रकृति के संरक्षण के आह्वान के रूप में देखती हूँ। हम सब एक संकल्प के लिए जो कुछ भी करेंगे वो सदैव प्रकृति के अनुकूल होगा, कभी भी प्रतिकूल नहीं होगा। प्रकृति और प्रगति के संतुलन को बनाए रखने में ही मानव कल्याण निहित है। इस विचार के साथ पूरी मानवता आगे बढ़े, इसी मंगल कामना के साथ अपने वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू मैडम प्रेसिडेंट फॉर योर काइंड वर्ड्स एंड ब्लेसिंग्स।